हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए या फिर बिना ग्रामर सीखे हुए भी आप इंग्लिश बोल सकते हो। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं अपने रूममेट की ही बात बताता हूँ। 4 साल से हम साथ हैं, ठीक है। और जब जॉब ज्वाइन किया था, मैं वहाँ पहले से ही काम कर रहा था, ये बाद में आया था, ठीक है। तो इसने मुझे तभी बताया था कि मतलब हम तब से ही साथ में ही हैं, कि इसने तभी मुझे ये चीज़ बताई थी कि मेरी इंग्लिश ना बहुत कमज़ोर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इंग्लिश का ई भी नहीं आता, वो उस लेवल पे कि बस हाँ माई नेम इज़ दिस, माई आई डू दिस, ये नॉर्मल बहुत ही बेसिक बोल सकता, लेकिन उसके बाद और कुछ नहीं। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। हमारा अब काम था लोन बेचने का, ठीक है, हम वहाँ लोन में डील करते थे। धीरे धीरे दूसरों का सुन के कि सर दिस दैट, वो सब चीज़ें धीरे धीरे आई, टूटा फूटा बोलना पड़ा, इसलिए बोलता गया, ठीक है, क्योंकि मजबूरी थी, वो चीज़ का ऑप्शन ही नहीं था। कि अगर आप किसी साउथ इंडियन से बात कर रहे हो, आपको बात भी करनी है क्योंकि नौकरी करनी है, और आप हिंदी में बात कर नहीं सकते क्योंकि अगले को हिंदी समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है। सो वहाँ पे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, चाहे आप टूटी फूटी बोलो या कैसे भी बोलो, वो चीज़ बोलनी पड़ती थी। और आज अगर मैं बात करूँ, बहुत फ्लुएंटली, बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल देता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि गलत बोल देता है, ठीक है, मतलब गलत गलत बोल देता है, वो बिल्कुल ही ग्रामेटिकली गलत रहती है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर कि अगर आप इंग्लिश बोलने भी लग गए, अगर आप गलत बोल रहे हो, तो इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, मैं वो भी आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहली बात तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की नॉलेज होना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, इस चीज़ की नॉलेज होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कि अगर किसी ने कोई सेंटेंस बोला तो ये कौन सा सेंटेंस है, आपको हिंदी बोलते हुए ग्रामर की नॉलेज की जरूरत पड़ती है नहीं। अगर आप कोई टीचर हैं या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पॉइंट पे तो ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड सवाल आएंगे जिसके आपको जवाब देने हैं, ठीक है। लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं बात बोलने की, सिर्फ एक नॉर्मल स्पोकन की, कम्युनिकेशन की, जब हम किसी से कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उस वक्त पे ना तो आपसे सामने वाला पूछेगा, ना ही आप सामने वाले से पूछोगे, और ना ही दोनों के दिमाग में आएगा क्या अब जब मैं इतनी देर तक बोला हूँ, दो ढाई मिनट जो भी मैं बोला हूँ, अब तक आपने सोचा कि ये हिंदी में कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं, इंग्लिश में कौन सा है, ये हिंदी में ग्रामर गलत तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जब हमने अभी तक नहीं सोची है। सो सेम इंग्लिश में भी होता है, आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलने से पहले आपको पूरा ग्रामर के बारे में सोचना पड़ेगा, पूरा ग्रामर सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ करते रहोगे ना तो कन्फ्यूजन ही आएगी और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आप इस चीज़ को खुद सोचो, आपने हिंदी कैसे बोलनी सीखी, क्या संज्ञा सर्वनाम ऐसे इन चीज़ों से सीखी हमने हिंदी, नहीं, ये थे हमारे सब्जेक्ट थे जब हम छोटे छोटे से थे, ये हमारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, हिंदी के भी इंग्लिश के भी। इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी, हिंदी में संज्ञा सर्वनाम ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी, ठीक है। कॉजेटिव वर्ब्स, एक्सिलरी वर्ब्स, ये जो सारी चीज़ें हैं हिंदी में भी सारी चीज़ें होती होंगी, क्या हम इन चीज़ों के पीछे इतना भागते हैं हिंदी बोलने में, नहीं भागते हैं। अब बात की जाए कि जैसे मैंने अभी बताया था कि हम बोल लेते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है कि हम ग्रामेटिकली शायद गलत बोल रहे हैं। ग्रामेटिकली गलत बोलने भी 2-3 तरीके के हैं। एक तो है कि हम हिंदी, अगर मैं हिंदी के सेंटेंसेस या फिर हमारी बातों की बात करूँ जो हम हिंदी में बोलते हैं, मुझे लगता है कि शायद 70% गलत बोलते हैं, शायद 70% गलत बोलते हैं। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, जो बात करते हैं ना 70% वहाँ का रेशियो ना होगा, लेकिन वहाँ का भी 30-40% का रेशियो है। मैं एग्जाम्पल की हेल्प से इस चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। मान लीजिए मैं बैठा हूँ, मेरे पास एक फ़ोन आता है मेरे दोस्त का, और उसने मुझसे ये चीज़ पूछी क्या कर रहा है, शाम को चले घूमने, बस इतना पूछा कि शाम को चले घूमने। सेंटेंस ये बिल्कुल सही है, शाम को चले घूमने, लेकिन इस सेंटेंस में डूअर ही नहीं है, किसकी बात चल रही है, पर्सन ही नहीं है, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तो गलत हो गया। सेंटेंस तो ये होना चाहिए, क्या हम शाम को चल सकते हैं घूमने के लिए, या फिर क्या हम शाम को घूमने के लिए चल सकते हैं, ये सेंटेंस होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर उसने क्या बोला, शाम को चले घूमने। सेम इंग्लिश में भी होता है, ऐसी चीज़ें इंग्लिश में भी होती हैं, आपको ग्रामेटिकली बहुत चैलेंज मिलेंगे इस चीज़ के अंदर। अब मान लीजिए इंग्लिश में आपने एक सेंटेंस देखा,
मतलब जैसे हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, डिड वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अब ग्रामेटिकली अगर आप देखें और मुझे ये पूछना है कि तुमने उसको क्यों बताया, सो वाई डिड यू टेल हिम आना चाहिए, लेकिन आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे वाई यू टोल्ड हिम, वाई यू टोल्ड हिम, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिल्कुल गलत है, लेकिन स्पोकन में मिलेंगी ये चीज़ें। तो जो नेटिव स्पीकर्स भी होते हैं इंग्लिश में, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मतलब अच्छे होते हैं इंग्लिश में, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो बहुत करते हैं, वो भी बहुत करते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकल मिस्टेक एक्सेप्टेबल होती हैं। एक होता है कि जो अनएक्सेप्टेबल है, कि मैंने बोला व्हाई यू टोल्ड हिम यार, ये एक एक्सेप्टेबल है कि हम स्पोकन में एक कैजुअल टोन में बात कर रहे हैं, मैं कोई ऑफिशियल ईमेल लिख रहा हूँ, मैं कोई बुक लिख रहा हूँ, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ पे मुझे ग्रामेटिकली सोचना पड़ेगा, ग्रामेटिकली जाना पड़ेगा, लेकिन स्पोकन में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जैसे मेरा रूममेट है, वो क्या करता है, वो अब फ्लुएंट हो चुका है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वो फ्लुएंसी में ग्रामेटिकल मिस्टेक करता है वो अनअवॉइडेबल है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, ठीक है, ना एक्सेप्ट कर सकते हैं ना अवॉइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए, मतलब उसकी मैं बात बताता हूँ, वो सामने वाले से ऐसे बात कर लेता है कि वाई डिड ही वॉज टोल्ड यू, ठीक है, वाई ही वॉज टोल्ड यू, अब ये वाई ही वॉज टोल्ड यू ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें क्या होता है, जो अगला बंदा है जो बात सुन रहा है वो सिर्फ इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, या तो उनको इतना ग्रामर के बारे में खुद नहीं सोचना कि इसने ये क्या बोला, उनको सिर्फ बात समझ में आनी चाहिए, एक तो ये सेंस हो गया। दूसरा, अगर अगले को पता भी चल गया कि इसने कोई चीज़ गलत बोली है तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है, उसको तो बात समझ में आनी चाहिए ना, ठीक है। सो यहाँ पे एक ये स्टेप आ जाता है, एक ये चीज़ आ जाती है, जिसमें थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये रहता है कि आपको पता नहीं है कि आप क्या गलत बोल रहे हो, ठीक है, आप बोले जा रहे हो लेकिन आप क्या गलत बोले जा रहे हो आपको वो चीज़ नहीं पता। एक्सेप्टेबल मिस्टेक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिड ही टेल यू की जगह आपने सिंपल सा बोल दिया ही टोल्ड यू, वाई ही टोल्ड यू, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्ट की जा सकती है, लेकिन वाई वॉज ही टोल्ड यू ऐसी चीजें बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब ये मिस्टेक उसकी क्यों हो रही है, और अगर आपके साथ भी ऐसा हो, मान लीजिए आपने चलो बोलना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हो कि आपको ये समझ में नहीं आया कि क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, पहली बात तो क्योंकि आपने ना अपना जो दायरा है वो एक सीमित किया हुआ है, उसने क्या कर लिया, सिर्फ लोन बेचने की जो एक पूरी पिच है, लोन बेचने की जो पूरी पिच है उसने वो रट ली, मतलब इतने साल हो गया काम करते हुए, इतने साल से काम कर रहा है वो उस चीज के अंदर कि सारे क्वेश्चंस वो उसको पता है, उनके जवाब वो उसको पता है, और वो उतने सालों से उतनी ही इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, उतनी ही इंग्लिश बोल रहा है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ आ जाता है तो थोड़ा बहुत वहां पर वो गलत सलत बोल बाल के कर लेता है, ठीक है। तो इस चीज से मैं, अब प्रॉब्लम यह है कि हमने जो एक दायरा बना लिया ना, कि मैं अब वो निकला ऑफिस के, मतलब ऑफिस गया, ऑफिस में बैठा पूरे दिन, उसने इंग्लिश इंग्लिश में वही सब कस्टमरों से बात करी, एक लिमिटेड एक दायरे के अंदर कि लोन की बात हो रही है, लोन की ही बात हो रही है। फोन रखा अपने बराबर वाले से, हिंदी में बात हो रही है। घर पे आए, फोन में अगर कुछ देख रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो या फिर फोन में कुछ सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, सब कुछ हिंदी में, सब हिंदी में। तो हमने अपना एक माइंडसेट ही उतना बना लिया कि बस अब ये मेरा सिर्फ बेचने के लिए है, अब ये मेरी इंग्लिश सिर्फ बेचने के लिए है। तो जब मैं अगर वहां से निकल के भी किसी से बात करूंगा इंग्लिश में, एक जर्नल बात, लोन बेचने की नहीं, एक जर्नल बात करूंगा, अगला बंदा मेरे से इंग्लिश में बात करेगा, मैं उससे इंग्लिश में बात करूंगा, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ही ट्रेंड हो जाएगा सही स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है। जब आप आके फोन में कुछ देखोगे इंग्लिश में, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिना चाहे ही ट्रेंड हो जाएगा कि क्या सही सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है, क्या एक्सेप्टेबल मिस्टेक है, क्या तुम बोलते में ग्रामेटिकल एरर कर सकते हो। अब अगर आप कुछ म्यूजिक सुन रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई वेब सीरीज देख रहे हो, वो इंग्लिश में है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाता है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी इस चीज़ के ऊपर, साइकोलॉजिकल वे है ये एक, कि आपको पता ही नहीं चलेगा लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैंने किसी लड़के को बोल दिया, ठीक है, राहुल कहाँ जा रही है, ये क्यों गलत लगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने आपको ट्रिक किया कि भाई राहुल तो लड़का है, रही है क्यों, रहा है आना चाहिए। सेम इंग्लिश में भी होता है,
हम बचपन से राहुल लड़का ही एक इमेजिन करते हुए आ रहे हैं, लड़के के साथ रहा ही हम बोलते हुए आ रहे हैं, तो किसी लड़के के साथ राहुल के साथ रही अगर लग गया तो वहां पे आपको समझ में आएगी वो जो सिग्नल है वो आपको बिना सोचे ही पता चल जाएगा, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेंड किया हुआ है। सेम इंग्लिश में भी होगा, आप इतना मतलब अगर आप कुछ मूवीज देखेंगे रोज, बुक पढ़ेंगे रोज, कोई मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, सो आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेंड हो जाएगा कि अगर आप इंग्लिश कोई गलत सुनोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये गलत है। आप अगर इंग्लिश कुछ गलत बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने कुछ गलत बोला है, ठीक है। तो ये चीज बिना चाहे आपकी अपने आप सही हो जाएंगी। अब अगर वही बनता, मैं अपने रूममेट की ही बात करूं, वो वहां लोन बेचने के बाद, लोन उसने बेच दिया, उसके बाद अगर एक दो घंटे और सिर्फ जर्नल चीज के लिए कोई मूवी वेब सीरीज देखे, कोई चीज पढ़े इंग्लिश में, तो जो उसकी एरर्स है ना बात करते हुए वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। यही चीज होती है कि आपको ग्रामर सीखने की इतनी जरूरत है ही नहीं कि अगर आप सिर्फ बात की बात कर रहे हो, ठीक है। इस चीज में मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं। मान लो कि मैंने आपको ये चीज बोला कि आप फ्रेंच सीखो, ठीक है, आप कहीं गए फ्रेंच सीखने के लिए, तो आप कैसे सीखोगे? उसने बोला कि भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अपना नाम बताना कि जमापेल त्रिवेश, मतलब मेरा नाम त्रिवेश है, ठीक है। अब आप इस चीज में कि मेरा नाम, इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसमें एडजेक्टिव क्या है, आपको वो चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपने वो चीज सीख ली। आप अगर मान लीजिए आपको मैंने ले जाके फ्रेंच में, मतलब किसी फ्रेंच कंट्री में मैंने आपको वहां पे छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या आप किसी से बात करने से पहले नाउन प्रोनाउन के बारे में सोचोगे? नहीं, आप धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। किसी को अगर टूटी फूटी इंग्लिश आती होगी तो वो आपको बताएगा, जैसे आपने बोला कि व्हाट इज दिस, उसने बताया दिस इज ये, आपको समझ में आई एक चीज, एक सेंटेंस समझ में आया कि यहाँ पे अच्छा प्लीज ये देना, प्लीज वो करना, ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। जैसे कि मैं अगर मैं बात करूं तो मैं एक बार असम में था और वहां पे मैंने सिर्फ चाय मांगना, ठीक है, चाय मांगना सीख लिया, ऐता कप सा दीबो, वहां पे मुझे समझ में आ गया कि ऐता एक कप, सा मतलब चाय और देना मतलब दीबो, तो ऐता कप सा दीबो, ये चीज मैं सीख गया। मैं इस चीज को हर मैं कई जगह यूज कर सकता था, ठीक है, ऐता ये दीबो कुछ भी चीज। तो मैंने वहां पे ये चीज सोची ही नहीं कि इसके नाउन प्रोनाउन क्या है, नहीं। तो लैंग्वेज अगर आप कोई भी सीख रहे हो सो आपको उसके बेसिक्स अगर समझ में आ गए तो आपका क्लियर है। अब मैं बात करता हूं कि मैं जो ग्रामर सिखा रहा हूं, मैं अपने सबटाइटल्स में बता रहा हूं, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं जो मैंने आपको बोला कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होना चाहिए। मैं बार बार, चाहे एक सेंटेंस, एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेशन मेरी एक वीडियो में चार बार आए, मैं चारों बार उसको बताऊंगा। चाहे सेम चीज मेरी रोज की वीडियोज में आए, मैं रोज बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? पहला रीजन हो सकता है कि मेरी वीडियो कोई पहली बार देख रहा हो, ठीक है, उसको मैं थोड़ी ना बोल दूंगा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैंने पिछले उसमें बताया था, नहीं बोल सकता ना। सेकंड, आप जब बार बार वीडियोस को देखोगे आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ही वो सारे सेंटेंस की फॉर्मेशन बन जाएगी। आप जब गलत बोलोगे ना आपको वो चीज ट्रिक करेगी, आपको खुद सोचने की जरूरत ही नहीं है, बाकी काम आपका वो माइंड करेगा सबकॉन्शियस वाला, ठीक है। ये चीज ना बहुत जरूरी है समझनी और इस चीज को इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। तो ग्रामर के बारे में अगर आप सोचते हो ना, जब आप इंग्लिश बोलते हुए ग्रामर के बारे में सोचते हो, होता क्या है, आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है, और जब तक आपका कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड काम करता रहेगा ना, आपकी स्पीड, आपकी फ्लुएंसी उतनी नहीं होगी। ग्रामेटिकल एरर्स तो भाई सब करते हैं, आप बिल्कुल एक एक सेंटेंस ग्रामेटिकली सही बोलने के पीछे जाओगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। ग्रामेटिकल एरर्स ऐसी होती हैं जो एक्सेप्टेबल है, हिंदी में भी तो करते हैं हम। मैं बोलूं आपको चलो ठीक है, आप मुझसे 5 मिनट बात करो, हिंदी में बात करो, और कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हिंदी की। मैं इतना अच्छा नहीं हूं हिंदी में, लेकिन तब भी पकड़ लूंगा। और मैं किसी ऐसे इंसान को भी लेकर आ सकता हूं जिसकी हिंदी बहुत अच्छी है, जिसकी हिंदी में कमांड बहुत अच्छी है, आप उससे बात कर लेना 5 मिनट, वो आपको, तो अगर मैंने 5 बताई वो आपको 50 बता देगा कि आपकी ये गलती थी, आपकी ये गलती थी, वो 50 चीजें बता देगा। जहां पे हमें था लगाना चाहिए था वहां हम है लगा देते हैं, ठीक है। तुम्हें किसने बताया है? मैंने ये चीज बोली, कई बार बोला है, हम इस तरीके से बोलते, भाई तुम्हें किसने बताई है ये बात, ठीक है। अब बताई है क्यों, बताई थी, बता चुकी है, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तुमसे किसने बोला, अब बोला क्या है, बोला था पे खत्म होना चाहिए। तो ग्रामेटिकल एरर्स हम हिंदी में बहुत करते हैं, इंग्लिश में भी होती है, आप एक एक चीज को नहीं सोच के बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ
ज्यादा से ज्यादा बोलना है, जितना हो सके आपको उतना बोलना है, और आपको ऐसी चीजें सुननी है जो आपके स्ट्रक्चर्स को सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स कर सके। आपको मूवीज देखनी है, वेब सीरीज देखनी है, दिन में टाइम निकालना है। भाई अगर आपको कुछ सीखना है तो करना आपको ही पड़ेगा, ये चीज तो क्लियर है, ठीक है। ऐसा किसी के पास कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई किसी के पास घुट्टी नहीं है कि आपको दी, आपको पिला दी और आप इंग्लिश बोलने लग गए अगले दिन, ना ऐसा तो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी सीखते हो। आप 10 साल तक सीखते रहो, आएगी नहीं। आपने एक सेंटेंस सीखा आज, आपने उसको यूज ही नहीं करा, भूल जाओगे दो दिन के बाद, चार दिन के बाद नई चीज सीखी उसको यूज मत करो, वो भूल जाओगे। आप सीखते रहोगे भूलते रहोगे, सीखते रहोगे भूलते रहोगे। हिंदी हम मैं बचपन में मैं बोलना शुरू कर दूं, ठीक है, फिर मैं रुक जाऊं दो तीन महीने के लिए, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा फिर। अब मैं हिंदी कैसे बोलूं? ये चीज होगी ना आप लोगों के साथ। मैंने ये चीज सुनी है, मुझे नहीं पता कि कितनी सही है कितनी गलत है। मैंने ये चीज सुनी है कि जो गूंगे बहरे होते हैं ना, वो बेसिकली बहरे होते हैं, गूंगे वो बन जाते हैं क्योंकि उनके कान में कभी वर्ड्स गए नहीं, उनको पता ही नहीं है बोलना कैसे है। मैंने ये चीज सुनी है, ये चीज कितनी सही है वो चीज मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये चीज मैं वैसे इंप्लीमेंट करूं अपनी बात में, अपनी लाइन में, अपनी हमारी कन्वर्सेशन में, हम जो बात कर रहे हैं, तो इसमें यह है कि भाई आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब तक वो ट्रेंड नहीं है, आप कॉन्शियसली करते रहोगे तो वो चीज कभी आपको आएगी नहीं, कभी नहीं आ सकती। अगर मैंने आज पिज्जा बनाया, ठीक है, मैंने कहीं मान लीजिए डोमिनोज ज्वाइन किया और मैंने आज पिज्जा बनाया, वो पिज्जा बनाने में मुझे अभी शायद आधा घंटा लगेगा। मुझे नहीं पता डो कैसा होना चाहिए, कितना उसको बेलना है, क्या स्टफिंग्स, क्या टॉपिंग्स, कैसे लगानी है, कितना चीज जाएगा, कितनी देर के लिए बेक होगा, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन वही काम जब मैं रोज करता रहूंगा तो आधे घंटे का 20 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, हो सकता है 10 मिनट में पिज्जा बनाने लग जाऊंगा, ठीक है। सो जितना आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड रहेगा उतनी ही आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी। ग्रामर के बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत बेसिक तो आती है। अब मैंने सबटाइटल वाली वीडियो बनाई, वहां पर मैं ग्रामर के बारे में बताता हूं ताकि आपका बेस क्लियर रहे, ठीक है। आपको एक स्टार्ट करने के लिए एक बेस क्लियर रहे, अगर आपको वो भी नहीं करना है ना, वो भी नहीं करना है, तो आप अपना सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन करो। आप जितना हो सके उतना बोलो, जितना हो सके उतना सुनो, ये चीज करो। एक न्यूज आई थी बहुत टाइम पहले, आप अगर गूगल करोगे तो मिल भी जाएगी। एक बच्चा था किसी गांव का, वो बहुत तेज मतलब बिल्कुल अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोल रहा था, और उसने मुझे बोला, मतलब मुझे कह रहा हूँ, उसने टीवी पे इंटरव्यू दिया और उसमें बोला कि मैं जॉर्ज बुश हूँ, मेरा अभी पुनर्जन्म, मतलब एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ गई थी कि ये क्या हो रहा है। फिर बाद में पता चला था कि उस बच्चे को इंग्लिश की वजह से किसी ने बोल दिया था कुछ, तो उसने अपने आप को 2-2.5 महीने के लिए बंद कर लिया और उसने इंग्लिश ही पढ़ी और सुनी और सीखी, और वो बहुत फ्लुएंट हो गया उस चीज के अंदर। ऐसा क्यों? उसने क्या ग्रामर सीखी होगी? मुझे नहीं लगता। ग्रामर सीखने बैठ जाता तो 1 महीना तो ग्रामर सीखने में लग जाता उसको, ठीक है। सो ये जो चीजें हैं, ग्रामर सिर्फ मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको एक यूज करने का तरीका समझ में आ जाए, बस। अगर आपको वो तरीका सीख लिया आपने, उस तरीकों को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो और आप साथ ही साथ अपना सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन कर रहे हो, आपको आ जाएगी। आप सिर्फ सीख रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड नहीं हो रहा, नहीं आएगी, ठीक है। आप सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड कर रहे हो, सिर्फ वही ट्रेंड कर रहे हो, तब भी आ जाएगी, तब भी आ जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तब भी आ जाएगी। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है, आप जो प्रैक्टिकल वेज है, जो उसके पीछे के लॉजिक है, जो रूल्स हैं, वो सीखो, उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो और फिर उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो। एक तरीका तो ये हो गया। अगर ग्रामर बिल्कुल ही नहीं सीखनी है, बिल्कुल ही नहीं सीखनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलो, आप सुनो, आप बात करो, आप पढ़ो, जितना ज्यादा ये चीज करोगे तो भी आ जाएगी, ठीक है। जो बच्चे होते हैं अमेरिका में, कोई भी है जो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वो कौन सा ग्रामर सीखते होंगे? वो कौन सा ग्रामर हर चीज में रटते होंगे? नहीं। तो हमने भी कौन सा हिंदी में ग्रामर रटी हुई है? हिंदी की कौन सी हमने ग्रामर रटी है कि मैं अगर सारे सेंटेंस हिंदी में बोल रहा हूँ तो मेरे ग्रामेटिकली सही होने चाहिए? नहीं। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ हिंदी में, मुझे उसकी ग्रामर पता होनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब आप अगर डेली अपने आप को 4-4, 5-5 घंटे इंग्लिश के एनवायरमेंट में रखोगे, 2 महीने में बता रहा हूँ, 2 महीने में आपके अंदर, अगर अभी आप अपने आप को 10 लेवल पर समझते हो ना, 2 महीने में वो आपका 80 लेवल हो जाएगा।
अगर आप अपने अपने आप को 5 घंटे के लिए दिन में इंग्लिश के एनवायरनमेंट में रख लो, इंग्लिश की मूवीज देखो, 1 घंटा इंग्लिश की मूवी देख ली, 1 घंटा मैंने कुछ बुक पढ़ लिया, 1 घंटा मैंने किसी से फोन पे बात कर ली, 1 घंटा मैंने किसी से चैट कर ली, बस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि मैंने आज तो 5 घंटे दे दिए, चलो 5 दिन के बाद 10 घंटे दे दूंगा, ऐसा कोई फायदा नहीं है। भूलना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस सिखाऊं, कमेंट में आपको मैं मतलब 5 सेंटेंस दे दूं बनाने के लिए, कमेंट में सारे लोग सही बनाएंगे, 99% लोग सही बनाएंगे सेंटेंस बिना गलती के। 4-5 दिन के बाद जनरल लाइफ में वो चीजें आ जाएंगी, सेंटेंस बोलना होगा, हमसे बोला ही नहीं जाएगा क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी। तो प्रैक्टिस जो वर्ड है ना, जैसे लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस का जो एक लॉजिकल रीजन है वो ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाता है, और जितना वो ट्रेंड हो गया आप उतनी ही जल्दी काम कर पाओगे, उतनी ही जल्दी आपके मतलब बिना सोचे वो चीज़ें आपके मुंह से बाहर निकलेंगी। ठीक है, सो यही सारे पॉइंट्स थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे, क्योंकि बहुत मेरे पास आ चुका था कि सर ग्रामर ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता ग्रामर ज़रूरी है, लेकिन ग्रामर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप पूछो बिना ग्रामर के आ सकती है, आ सकती है, 4-5 घंटे तो आ जाएगी। सबसे अच्छा तरीका सीखो ग्रामर के साथ साथ, तो ग्रामर लो, उसके बेसिक्स पकड़ो, अपनी प्रैक्टिस करो, लेकिन वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप ग्रामर के बिना कंसिस्टेंसी रख सकते हो, रोज 4-4, 5-5 घंटे निकाल सकते हो, मत देखो ग्रामर, सबटाइटल वाली वीडियोस देखो, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होगा। कोई हल्की सी कंफ्यूजन आती है कि इसको कैसे यूज करना है, आप बस वो देख लो, आपका सबकॉन्शियस माइंड में उसको डालो, बार बार प्रैक्टिस करके। मान लो आपने हैज के यूज सीखे, हैव के यूज सीखे, बी के यूज सीखे, उनको यूज कर करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स कर लो। जितनी आपके माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी होंगी, जितना डेटा उसमें स्टोर होगा, आपकी लाइफ उतनी ईजी हो जाएगी बोलने में। ठीक है, तो यही थे आज के पॉइंट्स। अगर वीडियो में आपको कुछ भी लगा हो कि आपके फायदे का था, आपको अच्छी नॉलेज मिली है, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।